हेलो फ्रेंड्स, आज फिर नॉलेज बल्ड चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में कुछ क्वेश्चन करा रहा था, कुछ बताया भी था उसके बारे में पिछली वीडियो में। उसमें क्या था, पिछली वीडियो में टाइप नंबर एक बताया था, क्रमांक संख्याओं को कैसे ज्ञात करते हैं। अब टाइप नंबर दो है, इसमें क्रमांक संख्याओं के वर्गों का या घनों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियो तुरंत मिले। स्टार्ट करते हैं। इसमें दे रखा है 1 का वर्ग + 2 का वर्ग + 3 का वर्ग ... 80 का वर्ग। अब इसका योग ज्ञात करना, इसका योग कितना होगा, तो मैं बता देता हूँ। इससे पहले इनको ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हमारा क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाए। देखते हैं, जब श्रृंखला इस तरीके से 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + ... n स्क्वायर, जब श्रृंखला इस टाइप की हो, तो योग होगा हमारा योग बराबर n(n+1)(2n+1)/6। जब हम श्रृंखला हमें वर्ग में दे रखी होगी, तब हम योग निकालेंगे इस तरीके से। ठीक, जब श्रृंखला हमें दे रखी होगी 1 का q + 2 का q + 3 का q + ... n का q, तब हम योग निकालेंगे, योग बराबर n(n+1)/2 का होल स्क्वायर। हम क्यूब जब घनों का योग निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। जब हम श्रृंखला का वर्गों के योग निकालेंगे, तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, क्या है। 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + ... 80 का स्क्वायर ज्ञात करते हैं। इसको योग सॉल्यूशन है क्वेश्चन फर्स्ट का, n = दे रखा हमें 80। ठीक, तब योग बराबर होगा, फॉर्मूला होता हमारा n(n+1)/2n+1)/6। तो n का मान हमारे पास 80, 80 + 1 (2×80+1)/6, 80 × 81 × 8 × 16 = 160 + 1 = 161 6। 2 से इसको काट देंगे, 2 × 6 = 2 × 8 = 8 80, 3 × 3 = 3 × 6 = 3 = 21 हमारे पास बचा 40 × 27 × 161। इन सबकी गुणा कर लेंगे, 40 की, 27 की और 161 की गुणा कर लेंगे। गुणा करके देखते हैं कितना आता है, तो गुणा कर लेते हैं कितना आएगा, 173 880, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, जिसको समझ में नहीं आए वो कमेंट में बताए, मैं उसको अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है 20 का वर्ग + 21 का वर्ग + 22 का वर्ग + ... 70 का वर्ग। ठीक है, अब हमें क्या है, जो योग निकाल लेते हैं हम इस फॉर्मूले से, वो हमारा एक से स्टार्ट हो, तब तो हम इसको निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है, बट जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में आए हम, ये 20 से स्टार्ट है, 20, 21, 22 इस तरीके से स्टार्ट है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी श्रृंखला हम 1 से 70 तक का योग निकाल लेंगे, 1 से 70 तक के संख्याओं के वर्गों का योग निकाल लेंगे। अब जैसे 20 के बाद स्टार्ट हुआ, फिर हम क्या करेंगे, 1 से 19 तक के संख्याओं के वर्गों का योग निकाल लेंगे। जब 1 से 70 तक का वर्गों का योग निकाला और 1 से 19 तक के संख्याओं के वर्गों का योग निकाला, तो उसको 119 तक की संख्याओं के वर्गों का योग घटा देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। देखते हैं किस तरीके से, 1 से लेकर इसको माना, मान लेते हैं इस तरीके से 1 का वर्ग + 2 का वर्ग + ...
70 का वर्ग इस तरीके से हम कर लेंगे इसको। एन का मान कितना आ गया हमारे पास 70, तब योग कितना होगा, योग बराबर फॉर्मूला यही लगा देंगे हम, इस फॉर्मूले से करेंगे, एन 70 और 70 प्लस 1 और 2 गुणा 70 प्लस 1 बटे में 6, ठीक 70 ऐसे जाएगा, 70 एक 71 गुणा 70 दूनी 140 और 141 बटे में 6, इसको भाग कर देंगे 6 से, 2 3 6 और 2 से 2 3 6 2 5 10 बचा 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, हमारे पास बचा 35 गुणा 71 गुणा 47, इन सब की गुणा देख लेते हैं कितनी आएगी, 35 की 71 की और 47 की गुणा कर लो, 35 देख लेते हैं, 35 71 की गुणा करें, 5 3 7 पंजे 35 और 3 हासिल हो गया, 7 21 और 3 24 कितना आ गया, 5 8 4 2 की गुणा 47 से कर लेंगे, 7 पंजे 35 7 8 56 और 3 59 7 4 28 28 और 5 35 और 7 दूनी 14 और 3 सत्रह 4 पंजे 20 4 अट्ठे 32 दो 34 4 चौक 16 और 3 19 4 दूनी 8 9 5 9 7 9 7 16 छः लगा 1 10 ग्यारह कितना गया 116 795 ये इसका आंसर होगा, सॉरी आंसर नहीं होगा, ये हमारा 1 से लेकर 17 तक की संख्याओं का योग आ गया, बट हमें निकालना है 20 से लेकर 70 तक की संख्याओं का योग, 20 से 70 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालना। अब हम निकालेंगे 1 से 19 तक, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट 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 19 का वर्ग, इस तरीके से हम इसको करेंगे, इधर देख लेते हैं, इसको रफ कर देता हूँ मैं, एन का मान हुआ हमारे पास 19, योग हमें निकालना है तो कितना होगा 19 गुणा 19 प्लस 1 गुणा 2 गुणा 19 प्लस 1 बटे में 6, तो 19 गुणा 20 गुणा 19 दूनी 38 रेख 39 बटे में 6, 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 तीन 9 2 एकम 2 2 ढाई 20 कितना जाएगा 119 गुणा 10 गुणा 13 13 नहीं में 117 117 का 7 5 लगे 11 13 एकम 13 और 11 हो गया 13 11 24 गुणा 10 तो कितना हो गया हमारे पास 2470, ठीक हमारे पास ये होना। अब हमें क्या करना है, इस श्रृंखला में से ये वाली श्रृंखला हम घटा देंगे, ये वाली श्रृंखला घटा देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा, देखते हैं कैसे, मतलब योग होगा 20 का वर्ग प्लस 21 का वर्ग प्लस डॉट 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 70 का वर्ग होगा हमारे पास, योग बराबर होगा 116 795 माइनस 2470, ये घटा देंगे, 5 में से 0 गए 5, 9 में से 7 घटाया 2, 2 बचा और फिर 7 में से 4 घटाएंगे 3, 6 में से 2 घटाएंगे 4 और 11 ऐसे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है इधर देख लेते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 90 क्यूब, ठीक है। अब क्यूब वाला क्वेश्चन है तो हम इस वाले फॉर्मूले से करेंगे, एन का मान कितना होगा हमारे पास, एन का मान कितना होगा,
देख लेते हैं एन का मान होगा हमारे पास 90, एन का मान 90 होगा, हमें इस वाले फॉर्मूले से करना है, योग होगा मतलब 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस डॉट 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 90 का क्यू, ठीक है, योग निकालना हमें, योग फॉर्मूला होता है एन एन प्लस 1 बटे में 2 का होल स्क्वायर, ये होता है एन का मान है हमारे पास 90 गुणा 90 प्लस 1 बटे में 2 इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर 90 गुणा 91 बटे में 2 इस पूरे का होल स्क्वायर, 90 गुणा 91 गुणा 90 गुणा 91 बटे में 2 गुणा 2 हो जाएगा, ठीक, 2 से इसको काटेंगे 45 हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 45 हो जाएगा, तो 45 गुणा 45 गुणा 91 गुणा 91 इन सब की गुणा कर लेंगे और हमारे पास आंसर मिल जाएगा, इन सब की गुणा इसको होगा 16 76 90 25, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, इसको रफ कर देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 4 है 15 क्यू प्लस 16 क्यू प्लस 17 क्यू डॉट 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 60 का क्यू, इस तरीके से हमारे पास ये श्रृंखला दे रखी है, श्रृंखला दे रखी है, तो हम करेंगे कैसे, एक से लेकर 60 की संख्याओं के घनों का योग निकालेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 4 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस डॉट 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 60 का क्यू, ठीक, एन का मान इसमें 60 है, एन का मान 60, तो योग निकालेंगे, योग बराबर 60 गुणा 60 प्लस 1 बटे में 2 इस पूरे का वर्ग, सॉरी अब इस 60 गुणा 61 बटे में 2 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, अब 60 गुणा 61 गुणा 60 गुणा 61 बटे में 2 गुणा 2, 2 से ये 30 बार कट जाएगा, 2 से ये 30 बार कट जाएगा, 30 की 30 की 90 की गुणा करेंगे 30 कितना जाएगा 900 गुणा 61 गुणा 61, इन सब की गुणा कर लेंगे तो जो भी आए तो उसके आंसर में से, उसके आंसर में दूसरे श्रृंखला को घटा देंगे, इसका आएगा 33, देख लेते हैं एक बार, 61 61 एक 6 6 6 6 36, कितना जाएगा हमारे पास ये 1 2 7 3 गुणा 9 से करेंगे, 9 और दुनिया 18 18 और 9 7 63 164 9 3 27 और 6 33 33 48 900, ये हमारी इसका इस श्रृंखला का आंसर होगा। अभी हमें क्या करना है, 15 दे रखा, 15 से स्टार्ट है श्रृंखला और हमने निकाली 1 से 60 तक का, अब हमें 1 से 14 तक की श्रृंखला का भी वर्ग घनों का योग निकालना है, इसको रफ कर देता हूँ, देखते हैं, अब 1 से लेकर 14 तक 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग सॉरी घन प्लस डॉट 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 14 का घन, इस तरीके से हमको ये करना, एन का मान 14 है, योग निकालना हमें, तो योग बराबर हो जाएगा 14 गुणा 14 प्लस 1 का वर्ग बटे में 2, ठीक, सॉरी पूरे का वर्ग है, अब इसको हम करेंगे 14 गुणा 15 बटे 2 पूरे का वर्ग, इसको काट देंगे 2 7 आ जाएगा, कितना जाएगा 15 7 15 7 105 का वर्ग, 105 का वर्ग कर देंगे कितना आएगा 5 5 25 5 5
0 0 0, अब वो कितने लगा, 5 0 1, 5 2, 10 का 0 हाथ से लगा 1, 10 का 0 हाथ से लगा 1 1 1, ठीक, ये आया 11 0 25, इसका आंसर आएगा 11 0 25, 11 0 25। अब हमने 11 0 25 को घटा देना है इस आंसर में से, पूरी श्रृंखला का हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब 15 का घन प्लस 16 का घन प्लस डॉट 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 60 का घन हमें निकालना होगा। तो हमें क्या करना होगा, योग बराबर 33, इस आंसर में से ये वाला आंसर हटा देंगे, मतलब 33 48 900 में से 11 0 25 घटा देंगे, कितना जाएगा, 10 में से 5 घटाएंगे 5 बचेगा, 9 में से 2 घटाएंगे 7 बचेगा, 9 में से यहाँ 8 बचेगा, 8 में से 0 घटाएंगे 8 बचेगा, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 बचेगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3 बचेगा, और ये 33, ये हमारा इसका आंसर होगा। अब टाइप नंबर सेकंड में क्या था, सेक्शन ए, सॉरी ये सेक्शन ए है, सेक्शन ए है क्रमागत संख्याओं के वर्गों का या घनों का योग ज्ञात करना। अब इसका सेकंड सेक्शन है, सेकंड सेक्शन में क्या, या तो सम संख्याएं या विषम संख्याओं, सम संख्या जो होती हैं जैसे सम संख्याओं का क्रम है उनके वर्गों का या घनों का योग कैसे ज्ञात करेंगे सेक्शन सेकंड में, या विषम संख्याओं के वर्गों का या घनों का योग कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं उस सेक्शन को। थैंक यू। ये तो छोटी संख्या, ये सबसे बड़ी संख्या, ये सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ी, और ये सबसे बड़ी संख्या, पूरा सबसे बड़ी संख्या हमारे पास एस प्लस ए, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या कितनी है, एस प्लस ए, एस का मान आया हमारे पास 46, तो एस का मान 46 प्लस ए कितना जाएगा 52, सबसे बड़ी संख्या, सॉरी 54, सबसे बड़ी संख्या 40 और 8 54, सबसे बड़ी सम संख्या होगी हमारे पास 50।